हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जी गाइस, वेलकम बैक। अब है कुछ ऐसा सीन कि कुर्बानी तो हो चुकी है हमारे यहाँ, अब हम बना रहे हैं कलेजी। तो कलेजी की रेसिपी आज हम इस व्लॉग में आपसे शेयर कर लेंगे कि मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, इसको मैंने कट कर लिया है, इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। और मैंने ये थोड़ा गरम मसाला लिया है सारा, और गोल लाल मिर्च, इलायची, सब कुछ लिया है। ठीक है, अब इसको दोनों चीज़ों को हम इसमें फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर दही में हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी कलेजी हमारी ऊपर से कट के आई नहीं है, वरना हम कलेजी भी आपको दिखा देते। और साथ ही ये बन रही है चाय सब लोगों के लिए। बस कलेजी आ जाए तो फिर हम कलेजी भी आपको दिखाएंगे और फिर आगे की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और ये फिर प्याज इसमें फ्राई करेंगे, और ये सारा गरम मसाला इसमें फ्राई करेंगे, और फिर इसे हम निकाल लेंगे और ग्राइंड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में ऊपर से आवाज़ आ रही हो दम 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 दम, तो ये ऊपर हमारे यहाँ गोश्त कट रहा है, उसकी आवाज़ है। गर्मी में काम करते करते एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है, तो पी जाती हूँ। अच्छा, हमने अब ये सारा कुछ निकाल लिया है और अब हमने प्रोसेस में दही डाल दिया था, बाकी ये दही है ना, अब हम इसमें सारा मसाला हम दही में ग्राइंड कर देंगे। दही डाला है और अब हम इसे भी दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन कुक हो गई है, बस अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक मैं थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ये बिल्कुल जब फाइनल हो जाएगी तो टेस्ट करके अगर कम होगा तो ऐड कर लेंगे। जी गाइस, तो ये हमारी कलेजी कुक अच्छे से हो गई है। बस इसका जो ये पानी टाइट, मतलब थोड़ा सा जो ये ऐसा है ना, बस इसको हमें थोड़ा सा टाइट करना है कि मतलब बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाइए, और फिर हमारी कलेजी बनके तैयार है, और फिर हम इसको खाएंगे पराठे के साथ।
जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी कलेजी की रेसिपी जो कि हमने आपसे शेयर की है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा। आई श्योर आप लोग इससे ज़्यादा अच्छी बनाते होंगे, लेकिन ये भी ट्राई कीजिएगा और अपनी रेसिपी हमसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।